हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो एग्ज़ामिनेशन से ठीक पहले सीबीएसई के तरफ से क्लास टेंथ और ट्वेल्थ स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खबर आ रही है, जो कि सीबीएसई के तरफ से बताई गई है, जो कि रिजल्ट से रिलेटेड है। तो क्या है, तो चलिए यहाँ पे जानते हैं। दिया गया स्टूडेंट्स टू गेट बोर्ड रिजल्ट्स इवन इफ़ दे स्कीप वन ऑफ द टू टर्म एग्ज़ाम्स, सीबीएसई क्लैरिफाइज। सीबीएसई के तरफ से ये क्लैरिफाई किया गया है कि स्टूडेंट अगर टर्म वन या फिर टर्म टू में से कोई एग्ज़ामिनेशन छोड़ देते हैं या फिर दोनों ही एग्ज़ामिनेशन छोड़ देते हैं तो इस कंडीशन पे क्या होगा, और साथ ही रिजल्ट आपका कैसा रहने वाला है इस बार का। तो ये सारी चीज़ें सीबीएसई के तरफ से इन्फॉर्म की गई है। दिया गया है कि सीबीएसई हैज सेड दैट इफ़ ए स्टूडेंट इज़ नॉट एबल टू टेक ऑल द एग्ज़ाम्स एंड फेल्स टू अपेयर फॉर वन और टू एग्ज़ाम पेपर्स बिकॉज ऑफ कोविड-19 देन दे मे रिसीव द रिज़ल्ट अंडर ए स्पेशल स्कीम। अब इसका मतलब यहाँ पे ये दिया गया है कि यदि आप टर्म वन और टर्म टू एग्ज़ामिनेशन में दोनों में से आप किसी में अपीयर नहीं हुए हैं, या फिर कोविड के कारण आप टर्म वन का एग्ज़ाम दिए थे लेकिन सभी पेपर नहीं दे पाए, या फिर टर्म टू का एग्ज़ामिनेशन आप दो या तीन पेपर दिए और कोविड के कारण एक दो पेपर आपका छूट गया, तो इस कंडीशन पे क्या होगा कि आपकी जो रिजल्ट निकलेगी वो एक स्पेशल स्कीम पे निकलेगी। वह स्पेशल स्कीम क्या होगा तो आगे सीबीएसई के तरफ से इन्फॉर्म किया जाएगा, और इसमें आगे और भी बहुत सारी चीज़ें दी गई है। इसमें लिखा है कि द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अनाउंस्ड मंडे दैट स्टूडेंट्स हु फेल टू अपीयर फॉर बोथ टर्म वन एंड टर्म टू एग्जामिनेशन विल नॉट बी अलाउड टू सीट फॉर कंपार्टमेंट एग्ज़ाम्स दिस ईयर एंड हैव टू रिपीट द क्लास। बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये न्यूज़ दी गई है। वैसे स्टूडेंट्स जो टर्म वन और टर्म टू एग्ज़ामिनेशन इन दोनों में से किसी भी एग्ज़ाम में नहीं बैठे होंगे, यानी टर्म वन और टर्म टू का कोई भी अगर एग्ज़ाम नहीं दिए होंगे तो आगे उनको कंपार्टमेंट का भी एग्ज़ाम देने को नहीं मिलेगा, और उनको फिर से एक साल पढ़ के अगले साल उनको बोर्ड एग्ज़ाम देना होगा। तो यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये जो है अपडेट दी गई है। अगर आपने टर्म वन का मान के चलो एग्ज़ाम किसी स्टूडेंट का छूटा हुआ है और टर्म टू का इस बार भी नहीं देते हैं किसी कारण से, तो आप कंपार्टमेंट का भी एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखें। अब आगे हम देखते हैं कि जिन्होंने टर्म वन का एग्ज़ाम दिया है और टर्म टू का एग्ज़ाम दिया है या फिर देंगे तो उनके लिए कोई न्यूज़ इसमें है या नहीं है। आगे दिया गया है कि इन ए लाइव वेबिनार, अभी जो है लाइव वेबिनार चल रहा था परीक्षा से रिलेटेड, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सीबीएसई के कंट्रोलर जो हैं संयम भारद्वाज जी, तो उनके तरफ से दी गई है, जिसमें ये सब सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो दी हुई है। ठीक है, इसमें लिखा गया कि इन ए लाइव वेबिनार अहेड ऑफ द सीबीएसई टर्म टू एग्ज़ाम्स फ्रॉम अप्रैल 26 संयम भारद्वाज द बोर्ड्स कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन सेड दैट स्टूडेंट्स हु वेयर मार्क्ड अबसेंट इन टर्म वन एग्ज़ाम्स एंड डू नॉट अपीयर फॉर टर्म टू एग्ज़ाम्स। वैसे स्टूडेंट्स जो टर्म वन एग्जामिनेशन में अबसेंट हो गए हैं और टर्म टू एग्ज़ामिनेशन में अपीयर नहीं होते हैं तो उनको कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम नहीं देने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है संयम भारद्वाज के तरफ से ही बताई गई है। ठीक है, आगे इसमें लिखा गया है कि एज ए रिलैक्सेशन एमिड कोविड द बोर्ड हैड लास्ट ईयर प्रोवाइडेड ए प्रोविज़न फॉर कैंडिडेट्स इन द एसेंशियल रिपीट। आपको याद होगा कि कोविड के कारण जो पिछले साल था, या फिर ऐसे भी सीबीएसई की तरफ से अगर कोविड नहीं भी रहता तो इसके बावजूद भी सीबीएसई की तरफ से ये दिया गया था कि अब जो है आपके रिजल्ट में कभी फेल नहीं लिखा हुआ होगा, फेल के जगह पे एसेंशियल रिपीट लिखा होगा। ठीक है, जो फेल का ये जो शब्द है वो हटाया गया है। ठीक है, तो फेल को हटा के एसेंशियल रिपीट रखा गया है। इसमें आगे और भी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके लिए जाननी ज़रूरी है। जैसे इसमें दिया गया है कि हाउ एवर दोज हु अपीयर फॉर एग्ज़ाम्स इन आइदर ऑफ द टू टर्म्स विल रिसीव ए ग्रेड बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन वन ऑफ देम। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, बहुत सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पे कन्फ्यूजन होंगे कि सर हमने टर्म वन का एग्ज़ामिनेशन अगर दे दिया है और टर्म टू का एग्ज़ामिनेशन अगर हमने नहीं दिया तो क्या हम कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते हैं। तो आप इसका आप जो है टर्म टू का जो भी कंपार्टमेंट एग्ज़ामिनेशन आगे होगा तो वो आप दे सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप इन दोनों में से और किसी का भी एग्ज़ामिनेशन अगर आपने नहीं दिया है तो फिर आप नहीं दे सकते। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है।
और इसमें ये भी दिया गया है कि वैसे स्टूडेंट जिनका मान के चलो कि टर्म वन का एग्जामिनेशन दिए और टर्म टू का एग्जामिनेशन छूट गया, ठीक है, वैसे स्टूडेंट जिन्होंने टर्म वन का एग्जामिनेशन दिया है लेकिन टर्म टू का जो एग्जामिनेशन है छूट गया हो, तो उनका टर्म वन का जो भी फाइनल रिजल्ट होगा वो टर्म वन के आधार पर ही निकाला जाएगा, मतलब जो बेस्ट परफॉर्मेंस होगा उसी के आधार पर निकाला जाएगा। या फिर ऐसा भी है, आगे इसमें यह भी लिखा गया है कि बिसाइड्स इफ ए स्टूडेंट इज़ नॉट एबल टू टेक ऑल द एग्जाम्स एंड अपीयर्स फॉर ओनली 3 to 4 ऑफ देम बिकॉज ऑफ COVID-19 देन दे मे रिसीव द रिजल्ट अंडर ए स्पेशल स्कीम। अब देखो इसका मतलब क्या है, और अच्छा यहाँ पे इस चीज़ को भी हम पूरा पढ़ लेते हैं, इसके बाद फिर एक्सप्लेन करते हैं। द अल्टरनेट ग्रेडिंग स्कीम विल बी डिसाइडेड बाई द बोर्ड एट द अप्रोप्रिएट टाइम एंड विल बी इन फेवर ऑफ स्टूडेंट्स। अब आगे इसमें हम समझते हैं कि ये लिखा क्या है। देखो सपोज करो कि टर्म वन का जो एग्जामिनेशन है इसमें आपने सभी सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन दिए, और टर्म टू का जो एग्जामिनेशन है इसमें मान के चलो 5 में से आपने 3 सब्जेक्ट के ही एग्ज़ाम दिए, ठीक है, कोविड के कारण आपका मान के चलिए कि 2 एग्ज़ाम छूट गया हो। तो अब जो CBSE आपके लिए जो रिजल्ट निकालेगी इन दोनों में से जो आपका सबसे बेस्ट होगा, जो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा उसके अनुसार निकालेगी। यहाँ पे दिया गया है कि देखो जो भी रिजल्ट होगा वो स्टूडेंट के फेवर में होगा और इसके लिए एक स्पेशल स्कीम के तहत उनको नंबर दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको जो भी मार्क्स मिलेगा अगर आपका एग्ज़ाम छूट जाता है तो वैसे कंडीशन पे आपको जो भी मार्क्स मिलेगा वो आपको स्टूडेंट के फेवर के लिए में ही मिलेगा, यानी कि आपके फेवर में दिया जाएगा जिसमें से आपका बेस्ट होगा, चाहे वो टर्म वन में आपका अच्छा गया हो या फिर टर्म टू का आपका एग्ज़ाम से छूट गया हो। तो देखा जाएगा कि टर्म वन में अगर आपने अच्छा किया है तो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे, अगर ख़राब भी आया है तो भी आपको नंबर उसमें से थोड़े से बढ़ा कर ही दिए जाएंगे, आपको कम मार्क्स नहीं दिया गया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो दी गई है एग्जामिनेशन से पहले रिजल्ट के बारे में CBSE की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन निकाली गई है। उम्मीद करते हैं आगे और भी हमें बहुत सारी जानकारियाँ भी CBSE की तरफ से मिलेंगी, तो जो भी मिलेगा वो हम आप तक तुरंत पहुँचाएंगे। तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें और भी इस तरह की लेटेस्ट अपडेट्स पाते रहने के लिए। थैंक यू।